फ्रेंड्स, तो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जो है हमारी किचन की तैयारी कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में जा रहे हैं। आज किचन का बर्तन वगैरह का सामान देखना है जो मेरे दहेज में मुझे आया था, तो आज उसे निकालेंगे। उसमें क्या क्या बर्तन है वो देखेंगे, और जो बर्तन कम होंगे उसके लिए आज हम जाएंगे मार्केट बर्तन लेने के लिए। तो अभी चलते हैं, हम बर्तन देखने के लिए जा रहे हैं। तो रियांशि सो रही है अभी और कन्नू उठ गया है। नीना बस नीचे चले जाओ दादी के पास, देख लो जरूरत नहीं पड़ती। तो है उधर रिया के पास तो बहुत टॉयस हैं। रिया हेलो, तो कौन कौन से टॉयस हैं तुम्हारे पास में? एक डोरेमोन है, एक बूट है, और ये डॉल्स हैं, और ये वाली डॉल है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी कौन सी डॉल है? ये डॉल है। ये दोनों? ये डॉल्स तो बहुत पुरानी है। ये डॉल तो मैं शायद दिल्ली से रानू बुआ के लिए लेके आया था, वो वाले डॉल्स हैं। तो ये डॉल्स बहुत कीमती हैं, इनको संभाल के रखना। और कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए बोलना चाहती हो क्या? ये तो सब भोपाल से हैं, भोपाल से हैं। ये फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, वो तुम्हारे लिए शायद दादी या बुआ लेके आए हैं। ये दो मैं दिल्ली से लेके आया था। और ये छोटी छोटी गुड़िया कौन सी? ये इनसे भी पता है। हाँ जी, क्या चला देंगे ना। चलो मैं उल्लाह इसके लिए टीवी चला के आ रहा हूँ। आना यही हो, सीधे सीधे चलो, रुक रुक। क्या चाहिए? इधर देखो, शॉपिंग कर रहे हो आप? इधर बताओ क्या खरीद रहे हो? ये सब फ्रूटी वगैरह तुमने तुम्हारे घर के लिए, यार तुम्हारे लिए सब कुछ आइटम रख लिया, हमारे लिए तुमने कुछ खाने का लिया ही नहीं। बिस्किट ले लिए तुमने, फ्रूटी ले ली तुमने, मैंगो ले लिए। खड़े हो, खड़े हो, इधर देख के बात करो हमसे, क्या लेना आप? कन्नू ने पूरा जो है सामान उसके हिसाब से भर लिया। फ्रूटी ले ली, मैंगो ले लिया, बिस्किट ले लिए, टोस्ट ले लिए, हम और ले लो। तो अभी हम जो है डी मार्ट पर हैं। ये पूरा डी मार्ट का आउटलेट। कन्नू के लिए बोतल, ये ठीक है, खुश हैप्पी। इधर देखो हैप्पी, जो तुम्हें किसको कौन सी रखनी है रख लो। इसमें का बॉक्स रखा तो है आपके पास में अभी, फिर क्यों देखेंगे अब, जा दादी के साथ चली जाओ। मैं हाँ अनस, इधर देखो अनस शर्माता है अभी, उसे शर्म आती है, कैमरे का सामना नहीं कर पाता। ये देखो लवी हमारा, हाय करो लवी। शॉपिंग पे हो आप? क्या क्या ले लिया आपने? ये सब आपने लिया है? अच्छा, करो हेलो, बाय। देखो लविस ने कितना सारा सामान खरीद लिया है, और देखते हैं लविस के साथ क्या क्या शॉपिंग और होती है। और बिटिया रियांशी ने कर ली है ढेर सारी शॉपिंग, ये देखो है ना रिया, क्या क्या ले लिया तुमने? मुझे नहीं पता, आप ही पता। क्यों, हमें क्यों पता होगा, आपने लिया कि हमने लिया?
बिल बनवा लें। तो हम आ गए बिलिंग काउंटर पे, अब थोड़ी देर में लाइन में लगे हुए हैं, बिल बन जाएगा, बिल के बाद पेमेंट करके हम निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने ये पूरा गृहस्थी का घर का सामान ले लिया है और हम बिलिंग काउंटर के लिए खड़े हुए हैं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारा नंबर आएगा वैसे ही हम जो है बिलिंग कराएंगे। यहाँ पर श्रीमती जी अपने मोबाइल में कुछ देख रही हैं। ये बैग वगैरह हैं जो लेके आए थे, अब इनमें हम सामान भर लेंगे। ये यहाँ पर श्रीमती जी सामान को डाल रही हैं और यहाँ पर अनु सुन की हेल्प कर रहा है। ये देखिए वो कल से जो है दुकान डीमार्ट में आने के फ़ायदे और आने के नुकसान दोनों मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। क्यों आए, किस लिए आए डीमार्ट में और क्यों ना आए, किस लिए ना आए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आप घर के लिए हम निकल रहे हैं, कार में सामान रख रहे हैं। हमने जो है शॉपिंग कर ली है, बिल भी बनवा लिया है। ये दीक्षा जी के हाथ में बिल रखा है, ये पूरा सामान जो हमने बिल कराया है वो, और कुछ सामान छूट गया क्योंकि बिल जो है ओवर बन गया था, लगभग 10,000 अराउंड बिल चला गया था। फिर हमने कुछ सामान कम करा, फालतू की चीज़ें कम करी, उनको जो है रख के, और ये सामान जो ज़रूरी था वो ले लिया। रिया तन्नू जो है कार में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं कार की तरफ। कार में अब सामान रखेंगे, लगेज पूरा ये सामान, और फिर निकलेंगे हम घर के लिए। तो डीमार्ट ये भोपाल का है, अब डीमार्ट भोपाल के आने के फ़ायदे और नुकसान मैं आपके साथ में दोनों शेयर करूंगा, बताऊंगा। तो घर पहुंच के जो है वो आगे का पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हम आ गए हैं अभी मोमोस और बर्गर लेने के लिए गुप्ता जी की दुकान पे। तो ये हमारे गुप्ता जी हैं, बहुत ही बढ़िया ये मोमोस बनाते हैं। तो इनका जो है सुरक्षा चौराहा एयरपोर्ट रोड पे जो है इनका ये स्टॉल लगता है। हम घर आ गए हैं, आज हमने डीमार्ट से घर के सामान की जो नीड होती है, ग्रोसरी वगैरह, ग्रोसरी आपका सारी चीज़ें हुई, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ठीक है, और बहुत सारे जो घर पे मोमोज़ बनाते हैं, पर मोमोज के साथ साथ पिज़्ज़ा वगैरह, इसकी रेसिपी के सामान वगैरह सब लेके आए हैं। सब सामान हमने डीमार्ट से ख़रीदा है, सर्फ साबुन, तेल, माचिस, हर एक सामान जो है हमने डीमार्ट से ख़रीदा है। तो डीमार्ट के बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि डीमार्ट जाएं तो क्या करें, कैसे करें, बच्चों के साथ ले जाएं कि नहीं ले जाएं, ठीक है, डीमार्ट से क्या सामान खरीदें, क्या डीमार्ट से सामान खरीदना अच्छा क्या होता है, डीमार्ट से सामान खरीद कर जो है आप कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे आप दुखी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप अपने बजट को डीमार्ट के हिसाब से कैसे सेट करें, तो सारी चीज़ें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि डीमार्ट में आने के बाद क्या फ़ायदे होंगे और डीमार्ट के आने में क्या नुकसान होंगे हमें, तो इसका एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट नए ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।